नमस्कार दोस्तों, आज सीखेंगे इस तरह का एक बैग बनाना, वेजिटेबल बैग और पुरानी पेंट से। दोस्तों इसको मैं साइड में रखता हूँ और इसके लिए चाहिए अपन को एक पुरानी जीन्स। इसको सीधी, ये आसन है, आसन से सीधा काट देना आप लोगों को। अब दोस्तों नीचे के तले और स्टेप के लिए उसी पैंट के नीचे का भाग मैंने ले लिया है, इसको उल्टा कर लेता हूँ। अब इनको काट देते हैं। इसको 4 इंची गजट के हिसाब से बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। मैं सीधा कर लेता हूँ दोस्तों। अब इसको काट लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों नीचे का तला कट गया। दोस्तों इसमें से अब मैंने 4 इंची पट्टी पहले काट ली, ये वाली, और इसी में से इसी के बराबर एक पट्टी और काट लेते हैं। दोस्तों ये 2 पट्टियाँ कट गई। अब एक पट्टी में से अपन बेल्ट बना लेते हैं, ये अपने तले के काम आएगी। इस तरह से 2 इंची काट लेता हूँ। जो दोस्तों अपन ने 4 इंची गजट काटी थी, यानी तल का टुकड़ा कहते हैं, उसके बराबर इसको काटा और इसमें से भी 2 हिस्से कर लिए जो अपने बेल्ट के काम आएगा, 1, 2। और बेल्ट किस तरह बनानी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह दोनों बेल्ट तैयार हो गई दोस्तों। अब स्टेप हटा देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ आ रही है, ये अपना जो अपने पार्ट काटा था इसका सेंटर मार्क ले लेते हैं इन स्टेप के द्वारा। यह है दोस्तों 17 इंच, 17 बोले तो हाफ हो गया इसका 8.5। इससे 3 इंच इधर एक साइड और 3 इंच दूसरी साइड, दोनों साइड 3-3 इंच की दूरी पे अपन ने मार्क कर लिया। इस पर अपन ने स्टेप लगानी है। इसी तरह दूसरी साइड भी इस वाले मार्क को पकड़ के ये मार्क कर लें और इधर ये मार्क लगा लिया दोस्तों। अब ये सेंटर मार्क लगाया था। अब इस स्टेप को अपन को इस भाग से इधर नहीं जाने देना है, इस तरीके से लगाना है। और इस वाले चीज़ को, जैसे ये वाला कॉर्नर है, इसी कॉर्नर को अपन पकड़ते हुए सीधा लेके आए और इस वाले कॉर्नर को इस तरह से यहाँ पे अपन सिलाई कर देंगे चारों तरफ, और यहाँ पे थोड़ा मजबूती से सिलाई करें। दोस्तों ये दोनों स्टेप लग गई, ये एक स्टेप, ये दूसरी, ये दोनों स्टेप हो गए दोस्तों। अब दोस्तों इसके तले को अपन को इस तरह, जो 4 इंच अपन ने गजट काटी थी इसका सेंटर मार्क ले लिया अपन ने। पैंट को जो टुकड़ा अपने लिया है इसको बिल्कुल ऐसे बराबर करके, और ये मैंने आपको सेंटर मार्क ले लिया यहाँ पर। और इसी तरह जो कपड़ा अपन ने लिया था इसमें भी मैंने वैसे कट लगा रखा है, पर आपके लिए भी बता रहा हूँ, इसमें सेंटर मार्क भी इसमें भी ले लें। इस तरह से चौक लगा लें या ऐसे कट मार लें हल्का सा, और दोनों कट को मिला के ही अपन को इसमें या कच्ची सिलाई कर लें या आलपिंस वगैरह लगा के इसको रोक लें। और मैं ऐसा कर लेता हूँ, बताता हूँ आपको। सेंटर मार्क से अपन ने सेंटर मार्क दोनों मिला दिए इस तरह से। अब इसको अपन आगे जाते हो इस कॉर्नर को थोड़ा सा निकाल देना बाहर की तरफ, जिससे इसमें गुलाई आए। इस तरह आलपिन लगा सकते हैं आप, कच्चा भी कर सकते हैं। अब मैं इस पर सिलाई करके दिखाता हूँ। आलपिन या कच्चा करने के बाद आप सिलाई को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जहाँ से आपको सहूलियत लगे।
दोस्तों सिलाई करने के बाद ये पाइपिंग लगा ली जिससे कि धागे ना निकले। अब मैं इसको सीधा करके बताता हूँ किस तरह का अपना वेजिटेबल बैग तैयार हुआ। इस तरह बिना पैसे के बिना लागत के एक सुंदर और जानदार बैग आप तैयार कर सकते हैं, वेजिटेबल बैग। और घर बैठे ही, अगर आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर चैनल पर हमारे पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अनुग्रहित करें। जय हिंद।